होती है वह भाषा होते हैं। हम किसी भी बात को बोलते हैं, लिखते हैं या फिर पढ़ते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए होती है? भाषा चाहिए होती है। ओके, उसको क्या बोलते हैं? भाषा। अब इस पिक्चर को देखो, चित्र को देखो, नीचे दिए गए चित्र को देखिए और समझिए। इस चित्र में क्या हो रहा है कि मैम बैठी है, बच्चा बाहर से अंदर आ रहा है, तो क्या बोल रहा है? मैडम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? फिर मैम जवाब देती है हाँ आ जाइए। आप लोग भी क्लास में ऐसे ही करते थे ना, वैसे ही है। तो यहाँ आदर्श ने बोलकर कक्षा में आने की अनुमति मांगी और अध्यापिका ने सुनकर आने की अनुमति दी। यह भाषा का मौखिक रूप है, इसे मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मौखिक, ओरल भाषा। ओके, अब सेकंड एक और चित्र दिया गया है, इसको देखो। इस चित्र को देखिए और समझिए। इसमें क्या हो रहा है? मैम पढ़ाने जा रही है, ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है और बच्चे अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? यहाँ मैडम लिखकर बता रही है कि वे आज भाषा के बारे में पढ़ाने वाली है और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है, इसे लिखित भाषा कहते हैं। इस प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। जैसे मैंने बताया भाषा के प्रकार, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ओके, जो बोल के समझते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है, हम उसको क्या कह रहे हैं, तो वो कौन सी हो गई? मौखिक भाषा। और जो लिख के प्रकट की जाती है उसको क्या बोलेंगे? लिखित भाषा। और एक और भाषा होती है उसको क्या बोलेंगे? सांकेतिक भाषा, जो अगली वाली है। देखो अब इस चित्र को देखिए और समझिए। इसमें क्या है? टीचर क्या कर रहा है? सीटी बजा रहा है। यहाँ प्लेइंग चल रही है आई थिंक, तो यहाँ खेलने का, खेल के मैदान में ही हो रहा है। तो इसमें जैसे ही अध्यापक ने सीटी बजाई और बच्चे भागने लगे, यहाँ अध्यापक के सीटी बजाते ही छात्र समझ गए कि उन्हें दौड़ने के लिए कहा जा रहा है। यह भाषा का सांकेतिक रूप है। संकेत द्वारा अपनी भाषा समझाना या दूसरे के संकेत को समझना सांकेतिक भाषा कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार बोलना, पढ़ना, सुनना, लिखना व संकेत करना भाषा को व्यक्त करने के माध्यम है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाषा को व्यक्त करने के माध्यम कौन कौन से हैं? बोलना, पढ़ना, सुनना, लिखना, संकेत करना भाषा के माध्यम है। ओके, ये क्या है? आवश्यक जानकारी। प्रत्येक समय संकेत को ना तो स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है और ना ही समझाया जा सकता है, इसीलिए व्याकरणविद सांकेतिक भाषा को भाषा का रूप नहीं मानते। अब कोई अपन को कुछ समझा रहे हैं, हम कुछ समझ रहे हैं संकेत के द्वारा, तो इसको क्या है? इसको व्याकरणविद है, जो सांकेतिक भाषा है, पर उसको भाषा का रूप नहीं मानते। ठीक है, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना भाषा का तो यही है कहना। ओके, अब करेंगे अभ्यास करें। सही विकल्प कर सही का चिन्ह लगाइए। भाषा के कितने रूप होते हैं? अभी हमने पढ़ा भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, तो किस पे टिक मार्क करोगे? दो पे। ठीक है, ख, व्याकरणविद किसे भाषा का रूप नहीं मानते हैं? मैंने अभी बताया था व्याकरणविद सांकेतिक भाषा को भाषा का रूप नहीं मानते हैं, क्योंकि कोई संकेत कुछ दे रहा होता है, कुछ समझने वाला कुछ और समझ लेता है, तो इसलिए इसको क्या करते हैं? भाषा का रूप नहीं मानते हैं। ग है, पुस्तक में भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? पुस्तक के अंदर किस रूप का होता है? लिखित रूप से। ठीक है, पुस्तक में लिखा हुआ ही होता है जो आप पढ़ रहे होते हो, तो क्या हो गया? लिखित रूप से। दूसरा है, सही शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरिए। इसके अंदर दिए गए हैं, आपको इसके अंदर ये भरने हैं। हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों को बताते हैं। क में क्या आएगा? बोलकर व लिखकर, तो इसके ऊपर लिख लो आप क। ठीक है, बोलकर या लिखकर। ओके, संकेत द्वारा व्यक्त की गई भाषा कौन सी भाषा कहलाएगी? संकेत द्वारा सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा कहलाती है। छात्र के दोनों रूपों का प्रयोग करते हैं। छात्र भाषा के
दोनों रूपों का प्रयोग करते हैं। लिखित भाषा लिखकर, लिखित है तो किससे करोगे व्यक्त, लिखित भाषा लिखकर व्यक्त की जाती है। अब इस नीचे दिए गए चित्र को देखिए। नीचे दिए गए चित्र में उपयुक्त स्थान पर मौखिक, लिखित व सांकेतिक भाषा लिखिए। ये पार्क दिया गया है, इंद्रप्रस्थ पार्क में आपका स्वागत है। ये पार्क का दृश्य बताया गया है, इसमें आपको अलग अलग चीजें बताई गई है। दो बच्चे हैं जो झूले झूल रहे हैं, एक बच्चा है जिसमें बच्चा अपनी माँ से कुछ कह रहा है, एक दादी माँ है वहाँ, एक गुड़िया अपनी दादी माँ से कुछ कह रही है और एक लड़की और है वो कुछ और बता रही है। तो इन दृश्य को आपको अपने आप से करना है और मुझे फोटो क्लिक करके सेंड करनी है। जैसे मैं एक बता देती हूँ कि जैसे इसमें ये गुड़िया है, ये क्या कह रही है कि ऊपर क्या है, तोता। तो ये क्या दे रही है, संकेत दे रही है कि ऊपर देखो, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया, सांकेतिक, ठीक है। फिर यहाँ क्या है, ये लड़की दादी जी से क्या कह रही है, दादी माँ मुझे घर जाना है। तो क्या कह रही है, ये लिखित है या मौखिक है, ये मौखिक रूप में बोल रही है, ठीक है। और ये मम्मी मुझे झूला झूलना है, तो ये भी मौखिक रूप से। और ये कह रही है यहाँ पे शांति बनाए रखो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सांकेतिक रूप, ठीक है। फूल तोड़ना मना है, तो ये क्या है, लिखित रूप में बताया गया कि फूल तोड़ना मना है। ऐसे ही आपको इनमें सारा भर के मुझे फोटो सेंड करनी है, ठीक है। कोई दिक्कत हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे बात करिए। धन्यवाद।